सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जो हमारी अष्टाध्यायी क्रम से प्राचीन व्याकरण की जो कक्षा आरंभ होने वाली है शीघ्र ही, उसके लिए हम अष्टाध्यायी के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण आपको सिखला रहे हैं। आज इस कक्षा में हम आपको अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सिखलाएंगे मित्रों, और ये सभी वीडियोज आपको सीरीज से देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे। इन वीडियोज का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, ये निःशुल्क हैं, और आप इनको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आइएगा मित्रों, हम उच्चारण शुद्ध करना सीखते हैं। अथ द्वितीय पादः गांकुटादिभ्यो इणिन्नित विजयित विभाषोणोः सार्वधातुकमपि असंयोगालित कित इन्धि भवति भ्याम च मृद मृद गुध कुश क्लिश वद वसह त्वा। रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च इको झल् हलन्ता च लिंसि च वात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनः सिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने। स्थ्वाघोरिच्च नक्त्वा सेत् निष्ठा शीं स्वीति मेति क्ष्वीति धिषः मृषस्ति तिक्षायाम् उदुपधात् भावादि कर्मणोरन्यतरस्याम् पुनः त्वाच नोपधात्थपान्ताद् वा वञ्चि लुञ्चिरितश्च त्रिषि मृषि तिषेः काश्यपस्य रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ऊकालोध्रस्वदीर्घप्लुतः ऊकालोध्रस्वदीर्घप्लुतः
अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्य जपन्युङ्ख सामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वारितस्य तूदात्तः देव ब्रह्मणो रनुदात्तः स्वारितात् संहितायामनुदात्तानां उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अपृक्त एकालप्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति चापूर्वनिपाते अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृतद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुक्तद्धितलुकि इद्गोण्याः लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने विशेषणानां च जातेः तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् लुब् योगा प्रख्यानात् योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधान प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यम् जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदोद्वयोश्च फ
फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वो रेकवचनम् विशाखयोश्च तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ वृद्धो यूनात्तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहित्रिभ्याम् नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्वा त्यदादीनि सर्वैरनित्यम् ग्राम्यपशु सङ्घेष्व तरुणेषु स्त्री इति द्वितीयः पादः। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रथम अध्याय के दूसरे पादों पाद के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सिखलाया। इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, जिससे आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आगे की वीडियो में हम आपको तीसरे पाद के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सिखलाएंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।